अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आपसे ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े होंगे। मुझे कहते हैं साड़िया की दुनिया और वेलकम है आपका साड़िया की दुनिया में। और ये मेरा बहुत स्पेशल व्लॉग है और ये मेरा निकाह व्लॉग है। और मैं बहुत ज़्यादा खुश भी थी और नर्वस भी थी क्योंकि आज मेरा निकाह है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फर्स्ट ब्राइड हूँ जो अपनी ही निकाह पर जो है ना ख़ुद अपना व्लॉग बना रही हूँ। यार कोई बना ही नहीं रहा था तो क्या करती मैं, सब जो है ना अपने कामों में लगे हुए थे। अम्मी बिज़ी थी, बहनें बिज़ी थी, डांस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, यार निकाह है हमने तो ये करना है वो करना है, कुछ अपने कपड़ों के लेकर बैठे थे यार मैं क्या पहनूंगी, मेरी कोई तैयारी भी नहीं हुई है। तो इसलिए यार आज मुझे मेहंदी लग रही थी, आज मेरी मेहंदी, एक दिन मेहंदी हुई थी, दूसरे दिन जो है ना मेरा निकाह हुआ था, जुमरात को मेहंदी की थी, जुमे को निकाह हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। और ये मेरे मेहंदी का जो है ना सूट लेके आई है मेरे ससुराल वाले, और मेहंदी का जो गुस्सा था साथ में सूट थे, चूड़ियाँ थी, सब कुछ मैचिंग था। और ज्वेलरी आप कहेंगे ज्वेलरी तो नहीं है क्योंकि हम हमारी जो है ना मेहंदी में वैसे भी कोई ज्वेलरी नहीं पहनते, वो आप लोग वो पहनते हैं फूलों के जेवर पहनते हैं। और मेहंदी माशाल्लाह बहुत अच्छी की थी और निकाह की मेहंदी थी, सूट बिल्कुल रेडीमेड था, कोई आपने आप कहेंगे सिला हुआ है, नहीं भी बिल्कुल उन्होंने रेडीमेड लिया था। और यहाँ पर फाइनली मुझे मेहंदी लगी थी और मैंने रच की मेहंदी लगवाई थी, फुल लगवाई थी, ब्राइडल मेहंदी लगवाई थी और कमाल की मेहंदी लगवाई थी। मेरी नंद की जो दोस्त है ना वो कमाल की मेहंदी लगाती है और बहुत प्यारी मेहंदी लगाई थी। और मेहंदी पर जो है ना मैं खुद तैयार हुई थी, यहाँ पर जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मैं रेडी हो चुकी मेहंदी पर। और मेहंदी पर मैंने अपनी जो है ना मेकअप सब कुछ खुद किया था क्योंकि निकाह पर जो है ना मैंने पार्लर जाना था, मेरे ससुराल वाले मुझे लेकर जाने वाले थे, लेकिन यहाँ पर मैंने खुद अपनी लुक बनाई थी, मेकअप किया था अपना। और यहाँ पर मेहंदी की जो है ना रस्म करने वाले थे, जैसे मुझे दिन को मेहंदी लग गई थी लेकिन उन लोगों ने कहा कि रस्म तो करेंगे ना हम, तो रस्म के लिए जो है ना वो मेहंदी तैयार करके आई थी। ये पूरा जो बास्केट होती है ना वो बास्केट बना के लाई इतनी प्यारी सी, और माइयों भी रखी थी और साथ में मेहंदी लगी थी और इतनी अच्छी डेकोरेशन की थी, बहुत प्यारा मतलब के किया था। चलें गाइस, यहाँ पर जो है ना हमारी मेहंदी की जो है ना रस्म अल्हम्दुलिल्लाह से जो है ना स्टार्ट हो चुकी है, मेहंदी की रस्म हो रही है यहाँ पर। और मेहंदी पर जो है ना मैंने मेकअप अपना किया था, बिल्कुल सॉफ्ट लुक रखी थी मैंने अपनी, कोई ग्लिटरी मेकअप नहीं किया था क्योंकि अगले दिन जो है ना मेरा निकाह था। और निकाह पर जो है ना क्योंकि अक्सर जो है ना ब्राइड्स को जो है ना बिल्कुल जो है ना ग्लिटरी मेकअप आईज़ बनाते हैं, और तो इस वजह से मैंने यहाँ पर सॉफ्ट मेकअप रखा था क्योंकि अगले दिन निकाह था। और यहाँ पर हमारी जो है ना मेहंदी की रस्म हो रही है क्योंकि मेहंदी जो है ना मुझे दिन के 2 बजे लगाना स्टार्ट की थी और मगरिब हो गई थी और रात को मेरा इवेंट था मेहंदी का, तो मैंने मेहंदी पर खुद तैयार होना था और मेहंदी बिल्कुल गीली थी तो इस वजह से जो है ना मैंने उतारी नहीं थी। चलें गाइस, ये है मेरी निकाह की लुक और मैंने पार्लर में कोई वीडियो नहीं बनाई थी और क्योंकि उस टाइम गई थी मेरा मतलब कि मेकअप होना स्टार्ट हो गया था, तो यार मैं क्या करती अपना मेकअप करवाती या वीडियो बनाती, तो इसलिए मैंने पार्लर की कोई वीडियो नहीं बनाई थी। घर आकर जो है ना मैंने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया था। यहाँ पर जो दुपट्टा बनवाया था ना मेरी नंदे बनवाया था, ये ऑनलाइन बनवाया था मुलेर जमशेद की दुल्हन .com में, मैं उन्हें जिक्स कहती हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा मेरा सूट था अल्हम्दुलिल्लाह से, सब और लोग शूज़ और कपड़े वगैरह सब बहुत अच्छे थे अल्हम्दुलिल्लाह से। और ये मेरे निकाह मोमेंट्स, मैं फकीर तेरे कुर्बत का, तुझसे तू मांगू रे तू श्रृंगार मेरा, तू है माई गहना बे, चलेंगे इस। यहाँ पर जो है ना निकाह हो रहा है मेरा और निकाह मोमेंट्स जो है ना इतनी होते हैं, मैंने कहा था कि मैं कोई रोने वाली नहीं हूँ, मैंने थोड़ा अपना मेकअप ख़राब करना ही है वो, लेकिन जब निकाह हो जाता है ना उसके बाद जो है ना आपको पता नहीं चलता, मेरी आंखों से ऐसे आंसू आने लगे बहुत ज़्यादा, लेकिन कमाल के मोमेंट्स होती है।
जमशेद इजाज वल्द मोहम्मद इजाज हुक्म है 10,000 रुपया तो कबूल है तू हुक्म है शर्म हमदी तू रूब रोई गवाए दे बावेज हुक्म है 10,000 रुपया जमशेद इजाज वल्द मोहम्मद इजाज का निकाह तो कबूल है हुक्म है शर्म हमदी तू रूब रोई गवाए दे बावेज हुक्म है 10,000 जमशेद इजाज वल्द मोहम्मद इजाज का निकाह तो कबूल है अब रब ने बना दिया जो यही रिश्ता कबूल है पूछे। अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना मेरा यहाँ पर जो है निकाह हो गया है और बहुत अच्छा भी लग रहा है और बहुत नर्वस भी फील हो रही है, मतलब कि कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ। और यहाँ पर जो है ना सब मेरे जो पेन है ना मेरे निकाह का वो तक भी जो है ना मेरी नंद ने जो है ना ऑर्डर किया था। और मेरा जो पेन था वो जमशेद के नाम का था और उसका जो पेन निकाह का था वो सारिया के नाम का था, लेकिन पेन बहुत अच्छे बने थे और सब कुछ मैंने जो है ना मुझे नहीं पता था उन लोगों ने क्या क्या सोच के रखा था। और मैंने एकदम से देखा था मेरा अपने निकाह का सूट जो है ना वो तक भी जो है ना अपने निकाह वाले दिन ही देखा था पॉलर में। और मेरे निकाह पर इतनी खलकत आई थी, इतनी खलकत आई थी और कुछ लोग कह रहे थे कि इतना बारात पर भी नहीं होते जो निकाह पर थे, बहुत लोग थे। आइए मैं आप सबको दिखाती हूँ। चलेंगे इस यहाँ पर जो है ना मेरे सिग्नेचर्स लेने के बाद अब जो है ना जिक्स के बारे आ गई, अब जिक्स जो है ना सिग्नेचर्स वगैरह कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है ना काफ़ी खलकत आई थी मेरे निकाह पर, बहुत ज़्यादा लोग थे। और यहाँ पर जो है ना फाइनली जिक्स जो है ना सिग्नेचर करने जा रहे हैं और काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। अभी मैं वीडियो देख रही हूँ, मुझे वही मोमेंट्स दोबारा याद आ रहे हैं निकाह के। और अल्हम्दुलिल्लाह से पहले जो है ना इतनी अच्छी सी पिक्चर्स बनवा रहे हैं यार, मेरा बनाने वाला जब कोई नहीं था क्योंकि मेरा जब निकाह की सिग्नेचर लेने आई थी ना वहाँ पर इतना रश लग गया था, वो ज़्यादा बस मर मरा की एक ही पिक की आई होगी, लेकिन कितनी आराम से बनवा रहे हैं पिक्चर्स। कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है। अब रब ने बना दिया जो यही रिश्ता कबूल है। Oh, 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 oh
चलें गाइस, आप सबको चैनल मेरे ब्लॉग कैसे लगे, मेरी वीडियो कैसे लगी। अगर अच्छी लगे जरूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, दो हमें याद रखिएगा। दोबारा मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ गाइस।